नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा की ट्रैक्टर रैली को कार्यकर्ताओं के साथ गांव में अलग अलग जगह रोका गया। किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और काले झंडे दिखा करके उनका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं इस मामले में भाजपा की इस रैली में एक कार्यकर्ता की मौत की वजह से 7 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और भाजपा के कुरुक्षेत्र सांसद नायाब सिंह सैनी की ट्रैक्टर रैली में एक कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसके बाद इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 341, 148, 149 और 120 बी के तहत मामले दर्ज किए गए। वहीं रैली में हुए किसान की मौत को भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी ने हत्या करार देकर के भारतीय किसान यूनियन, कांग्रेस और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के समर्थकों और कार्यकर्ता की हत्या का दोषी बताया। मृतक के परिजनों ने बताया कि किसानों के रूप में आए कांग्रेसियों और चूड़नी समर्थकों ने ट्रैक्टरों की तोड़फोड़ की और मारपीट की, जिसकी वजह से भरत सिंह की मौत हो गई। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर के भाजपा के प्रधान ने बताया, जिला प्रधान ने कृषि कानून के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और रास्ते में कुछ ऐसे ग्रुप के लोग थे जिन्होंने और उनके गुंडों ने रोक करके पथराव किया और डंडे मारने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मृतक की मौत हो गई। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।